हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं इटावा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुमेर सिंह किले से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में, इटावा में यमुना नदी के किनारे छोटी सी पहाड़ी पर बने सुमेर सिंह किले को बारह द्वारी के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि किले में प्रवेश करने के लिए 12 दरवाजे थे, जिसकी वजह से बारह द्वारी के नाम से जाना जाता है। सुमेर सिंह का किला कई रहस्यों के कारण भी प्रसिद्ध था। इस किले के बारे में पुराने लोग बताते हैं 12 दरवाजे जरूर थे, लेकिन कोई भी इस 12 दरवाजे को कोई खोज नहीं पाता था। ये इसका रहस्य था। जब भी कोई इन 12 दरवाजे को जब खोजता था, तो उसे या तो 11 दरवाजे नजर आते थे या उसको 13 दरवाजे नजर आते थे। इसका किले का काफी हिस्सा जमीन के नीचे बना था, जिसके अंदर सुरंगों के माध्यम से जाया जाता था। सुमेर सिंह पृथ्वीराज चौहान के कोई परिवार से थे और ये एक अंडरग्राउंड किला था। इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं थी, ये एक वीरान हो गया था। ये किला काफ़ी बड़ा चबूतरा की तरह था, उसमें गेट बने हुए थे 12, लेकिन आज तक किसी ने 12 दरवाजे नहीं ढूंढ पाए। उसका ये रहस्य था, चाहे वह बतासे रखकर या कंकड़ रखकर या किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके उसने गिनने की कोशिश की हो, लेकिन उसने आज तक किसी ने 12 दरवाजे नहीं खोज पाए। ये मुलायम सिंह की सरकार ने इस किले की मरम्मत करवाई और उसमें 12 दरवाजे बंद करवा दिए और उसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। 12 दरवाजे बंद करवाने का कारण था कि लोग वहाँ पर आते जाते थे और सुरंगों में गंदगी कर देते थे। उस जगह पर सुरंगों को बंद करवा के हनुमान जी की मूर्ति विस्थापित कर दी गई। उसके ठीक बगल में अतिथि गृह है। राजा सुमेर सिंह ने मध्यकालीन मही दर्ग के डिजाइन में किला बनाया था, जिसमें सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक सुरंग थी और भूमिगत कमरे थे। सुरंग यमुना नदी में चली गई, जहां रानी स्नान के लिए जाती थी। दिन के समय ये किला बहुत ही सुंदर दिखता है, जितना आपको इस टाइम दिख रहा है ऐसा ही हमेशा दिखता है, और रात के टाइम पर ये चांदनी से जगमगा उठता है। ये एक अजूबे जैसा दिखता है। ये थी इस किले से जुड़ी हुई कुछ महत्व